फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। देखिए, एस्केप नाम से ही पता चलता है कि एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी जो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के या ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के बाहर निकाल सके, वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। देखिए, न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से, कोई भी चीज अगर ऊपर आसमान में हम लोग फेंकते हैं या कोई भी फल या कोई भी चीज ऊपर हो, तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी मदद से वो चीज नीचे आके गिरती है, या यूं कहूं कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ पुल करता है। ये बात तो सबसे नॉर्मल है, लेकिन क्या हम लोग इतनी स्पीड पैदा कर सकते हैं, इतनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा कर सकते हैं इनिशियली कि वो ऊपर जाए तो कभी वापस ही ना आए? कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाए। ये एक क्वेरी है, नेचुरल क्वेरी है, ये माइंड में आती है। तो इसका ही फाइंड आउट करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैलकुलेशन किया, कई सारे साइंटिस्ट ने सोचा इसके बारे में, और इसको सॉल्व करते करते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से ये क्वेरी जो है वो सॉल्व हुई। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ से हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज हमें अर्थ के बाहर निकालनी है तो उसके लिए हमको ग्रेट स्पीड चाहिए होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल रॉकेट्स होते हैं, हमारे जो रॉकेट्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है, वो इतनी वेलोसिटी पैदा करते हैं कि हमारे इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। ये बात मानते हैं हम लोग, होता ही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी इनके पास शुरुआत में होती है, यानी कि इनिशियल एनर्जी ई आई, वही इनके पास होनी चाहिए फाइनल भी, यानी कि ई एफ, तभी वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, वो बाहर निकल पाएगी। अब यहाँ पे ई आई, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनर्जी क्या होगी। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट शुरुआत में धरती पर है तो उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि के ई आई, ठीक है, और साथ ही उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी कि यू जी आई, और यही चीज उसके पास फाइनल भी होगी, फाइनली भी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने के बाद भी होगी, प्लस इसके पास जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बाहर भी होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, ठीक है। ये दो एनर्जी का जोड़ हमारे पास आ जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं जिससे हमें पता चल सके वो कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मान हमें पता चल सके, जिससे कि हम लोग हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मान रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है? 1/2 mv I का स्क्वायर, ठीक है, प्लस UGI, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर गलती क्या हो रही है? गलती ये होती है कि हम लोग अर्थ पर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम लोग अर्थ वाली ही पोटेंशियल एनर्जी लगा देते हैं। अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? MGH। ये नहीं लगानी है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली बहुत ऊंचा जा रहा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो अर्थ के बाहर जा रहा है, इसलिए हम ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकलेगा। तो यहां पर वैल्यू रखी जाएगी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो अर्थ का मास है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम उस ऑब्जेक्ट का मास है, और आर जो है वो बेसिकली है हमारे अर्थ की रेडियस, तो यहाँ पे आर आई लिखेंगे क्योंकि उसकी इनिशियल पोजिशन है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी यही होगा, 1/2 mv f स्क्वायर माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर एफ। बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला कुछ वेलोसिटी के साथ, वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा। अब ये जो वेलोसिटी है मेरी फाइनल वेलोसिटी, यहां से तो मुझे कहीं आगे नहीं जाना, यहां से तो उस वेलोसिटी वो कम हो जाएगी। मतलब फाइनल पोजिशन पे आने के बाद ये जो मेरी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी। इस वेलोसिटी के जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा आरएफ है ये इन्फिनिटी पे है। भाई ये बहुत कॉमन सेंस ही बात है कि ये मेरी ऑब्जेक्ट है, एक वेलोसिटी के साथ ऊपर गया और ये क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया, और यहां पर जाकर के कहीं जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट इन्फिनिटी हो गया ना आरएफ। तो इसका मतलब बहुत सिंपल मैथ से कि अगर ये आरएफ जीरो है तो इसका मतलब ये आरएफ अगर इन्फिनिटी है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहीं अगर ये वेलोसिटी जीरो हो जाती तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये इनिशियल पार्ट, ठीक है। और हमें यही पता करना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दी कि यहां से पार हो जाए पूरी अर्थ के। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है सिंपली, और इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम लोगों ने बराबर रख दिया, यानी कि 1/2 mv I का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अंदर
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर आई, और जब यहां से आप वी आई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी आई इज इक्वल्स टू में अंडर रूट टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर आई, और ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे मालूम है कि एक रिलेशन होता है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू के अंदर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर आई का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूं तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो अंडर रूट में टू स्मॉल जी आर आई बचेगा, और यहां पर स्मॉल जी की और आर आई यानी कि अर्थ की रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है। जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो वी आई इज इक्वल्स टू के अंदर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वी आई मिनिमम, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं इसको आप लोग, उतनी इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए जिसके वजह से हम लोग अर्थ से बाहर जा सकते हैं। मतलब रॉकेट्स की इतनी स्पीड तो होती ही है इनिशियली, उसके बाद फिर वो बढ़ती जाए वहां से इसके अंदर चेंज आते जाए, मतलब इंजन को बार बार मतलब ऑन किया जाए या और ज्यादा पावर दी जाए तो बढ़ा देते हैं वो वेलोसिटी को। तो इतनी तो एस्केप वेलोसिटी हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। अब इसी चीज से आपको एक चीज और पता होगी कि हमारे नासा ने यानी कि नासा ने दो वॉयजर जो है वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को 1977 के अंदर लॉन्च किया था सितंबर और अगस्त के महीने के अंदर। अगर आपको याद हो ये जो वॉयजर है बेसिकली सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए भेजा गया था, और साथ ही ये देखा गया था कि ये सोलर सिस्टम के बाहर जा सके। इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी, कोई मैक्सिमम स्पीड इसकी जहां तक मुझे पता है 57,890 किलोमीटर पर आर की स्पीड थी उसकी, जो कि अगस्त 1977 थी, जिसकी कोस्ट शायद 90 करोड़ के आसपास थी। तो ये जो चीज थी ये जो सिस्टम काम कर रहा था ये पूरे सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए था, और ये इतनी वेलोसिटी से भेजा गया कि ये कभी वापस ना आए, और शायद आज भी ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का ये यूज किया गया था उसके लिए। तो फ्रेंड्स ये था एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी साबित रही होगी। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट।